श्री राधे। शरद पूर्णिमा पे माँ लक्ष्मी का विशेष महत्व है, क्यों? क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन का ही अवतरण दिवस है। माँ लक्ष्मी का जो समुद्र मंथन हुआ था, माँ लक्ष्मी उसमें प्रकट हुई थी। तो इस दिन रात्रि में माँ लक्ष्मी का पूजन करने से गरीबी, निर्धनता ये सब दूर होती है, घर की जो भी कलह का वातावरण वो भी दूर होता है, उनका कृपा प्राप्त होती है। अब कैसे करना है इस पे, इस विषय पे चर्चा करते हैं। हमें श्री सूक्त का पाठ, महालक्ष्मी को अति प्रिय है, आप घर में श्री सूक्त का पाठ करिए। जिन्हें संस्कृत आती संस्कृत में करें, हिंदी आती हिंदी में करें, अन्यथा अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारे पास मोबाइल है, अन्य साधन है, आप उसे सुनिए रात्रि में। लेकिन जागिए, महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, आप उनका जप करिए। इनका जप करने के उपरांत आप चाहें तो रात्रि में छोटे से धूप में आप हवन कर सकते हैं 16 मंत्रों से। इसमें सर्वाधिक शुद्ध देसी, जो देसी गाय है उसका जो शुद्ध घी अगर आपको प्राप्त होता है, तो श्री सूक्त के 16 मंत्रों से अगर आप आहुति देते हैं महालक्ष्मी के स्मरण करके, तो आपको लक्ष्मी की कभी जीवन में समस्या नहीं जाएगी। इस प्रकार आप महालक्ष्मी का पूजन करिए, कमल गट्टे की माला माँ लक्ष्मी को पहनाइए, कपूर और लौंग से भगवती का पूजन करें। साथ में चाहे तो एक लाल कपड़े में 5 कमलगट्टा लीजिए, 5 आप राजा कोड़ी लीजिए, 5 उसमें आप कमलगट्टे के साथ आप धना थोड़ा सा डालिए, धान की लाई डालिए। ये सभी महालक्ष्मी के साधक होते हैं। इन सब की पुड़िया बना के आप वहां रख के इनका पूजन करें और इसे अपनी तिजोरी में रखें, साल भर रखे रहने दीजिए, बरकत आपकी तिजोरी में बनी रहेगी। श्री राधे।